अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा यार कि न्यूज चैनल में ना मर्डर से रिलेटेड जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हुआ केस हो चाहे वो पुरुष से जुड़ा हुआ केस हो। मेल एंड फीमेल आर बोथ आर इन्वॉल्व इन दीज टाइप्स ऑफ क्राइम्स। हालांकि हमारे देश में कहीं ना कहीं जब महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का जब क्राइम होता है तो उसको बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में लाया जाता है, मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा की जाती है, जो कि बहुत जरूरी भी है क्योंकि जहां पर बात महिलाओं की आती है तो वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है मामला, लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ जाता है, जो कि जरूरी भी है क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं हम महिलाओं को लेकर एक अलग दर्जा दिया गया है उन्हें, जो कि जरूरी भी है। लेकिन बट द पॉइंट इज कि आज के टाइम पे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के ऊपर ही इस प्रकार के अत्याचार, इस प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं। अगर हम लोग अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो 3 महीने पहले श्रद्धा मर्डर केस, 15 दिन पहले आपने निक्की मर्डर केस भी, जो कि बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज किया गया दोनों केसेस के ऊपर। और इसके साथ में कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा, असम में एक औरत ने अपने पति और अपने मदर इन लॉ को मार के फ्रिज के अंदर रख दिया। और पता नहीं क्यों आप में से ये भी बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, कहीं ना कहीं आजकल जो मर्डर केसेस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फ्रिजेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग तो भैया फ्रिज का इस्तेमाल सब्जी दूध दही रखने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही लोग क्रिएटिव हो गए आज के टाइम पे, जहां पर लोग घर पे फ्रिज लाके उसके अंदर लाश रख रहे हैं, जो कि बहुत अचंभे की बात है। तो आओ चलो आज ना ये जो पूरा जो मर्डर क्राइम है, पूरा जो होमसाइड का जो सीन चल रहा है ना आजकल, उसके ऊपर खुल के डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं इसके पीछे के कुछ पॉइंट्स के ऊपर। और अभी तो ये जो मैं बस बात बोल रहा हूँ ये तो बस फ्रीजेस की बोल रहा हूँ ना यार, आप अगर ये वीडियो को आगे देखोगे तो आपको ये भी जानने को मिलेगा कि भैया लोगों ने मारने के लिए भैया तंदूर तक का इस्तेमाल किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है सस्टेन शॉट। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार मर्डर क्राइम्स के बारे में, जहां पर हम लोग रिसेंट रिपोर्ट जो मर्डर केसेस के रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ में हम लोग उन केसेस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जो कि हिस्ट्री में हो और जिनको मीडिया के द्वारा बहुत ज्यादा कवरेज किया गया, जो कि बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में रहे। साथ ही में हम लोग रीजंस के ऊपर भी बात करेंगे कि जब कभी भी मर्डर केसेस ऐसे सामने आते हैं तो उसके पीछे का आखिर रीजन क्या रहता है। इन जनरल रीजंस के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और एट लास्ट हम लोग ये समझेंगे कि भैया जब कभी भी इस प्रकार की जो मर्डर क्राइम्स होती हैं, होमोसाइड्स होती हैं, तो कैसे एक देश को अफेक्ट करता है, एक सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं यार कि जब कभी भी आप इस प्रकार के केसेस को सुनते हो तो, या फिर यूं समझ लो कि अगर कोई भी कॉमन व्यक्ति, आम आदमी अगर इस प्रकार के केसेस को जब कभी भी न्यूज चैनल में देखता है तो कैसे रिएक्ट करता है। कहीं ना कहीं एक जो आम आदमी है, आप और मैं है, कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रकार के जब भी केसेस सुनते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, एक जिज्ञासा हो जाती है समझने की, जानने की, क्या आखिर इस प्रकार के जो केसेस है वो क्यों सामने आए। कहीं पर भी ये जो मर्डर होता है तो उसके पीछे के रीजन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब जो क्वेश्चन है ये हमारे दिमाग में बनने लग जाते हैं। साथ ही में हम लोग ये भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कल्प्रिट था, ये जो क्रिमिनल था और जो विक्टिम था, इसका कोई रिलेशन तो नहीं था, कैसे ये लोग मिले, आखिर किस बात पे मतलब ऐसा हो गया, ऐसा सिचुएशन आ गया कि भैया एक दूसरे की जान के लोग पीछे पड़ गए। साथ ही में हम लोग जब इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के जो सिचुएशन है वो जब हमारे दिमाग में चल रहे होते, कुछ क्वेश्चन जब अराइज होते हैं हमारे दिमाग में, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर डिस्कस करते हैं और एक दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है उसको जानने की कोशिश करते हैं, जो कि एक मैं ह्यूमन बिहेवियर बता रहा हूं। जब भी आप कहीं पर भी इस प्रकार के जब केसेस सुनते हो तो एक जो ह्यूमन है, एक आम आदमी है, वो इसी तरीके से रिएक्ट करता है। बट इस रिएक्शन का दूसरा भी एक पहलू है जहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि इस प्रकार के केसेस को कुछ लोग सुनकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, जहां पर आपको दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं हमेशा क्रिमिनल के साइड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी मैं बता रहा हूं, अगर आपको गहरे अध्ययन करनी है अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों की माइंड को, तो इस प्रकार के केसेस के ऊपर डिस्कशन जरूर किया करें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी आखिर मानसिकता क्या है, किस तरीके से वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं। और प्लीज ट्राई करें कि अगर कोई भी इस प्रकार की मानसिकता को लेकर चल रहा है तो उसको बदलने की। इवन कि कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि भैया जब इस प्रकार के जो केसेस वो बहुत ज्यादा सामने आने लग जाते हैं तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ने लग जाता है और वो कहीं ना कहीं बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। अमूमन आमतौर पर एक जो ह्यूमन है वो इसी तरीके से रिएक्ट करता है, चाहे वो उसका पॉजिटिव साइड में ले लो चाहे वो नेगेटिव साइड में ले। बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस प्रकार की सिचुएशंस को जब वो सुनते हैं तो उनका रिएक्शन भी बहुत अलग रहता है। दैट्स कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर, जो कि आज के टाइम पे जानना बहुत जरूरी है। आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, आपके माता पिता हो, आपका कोई रिलेटिव हो, क्योंकि भैया पल में प्रलय आ जाता है आजकल, तो कब कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा हो कुछ नहीं समझ सकते।
और ये सब टच पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि किससे मुझे बातचीत करना है, किससे मुझे इंटरेक्ट करना है और किससे मुझे थोड़ा गैप बना के रखना है, कौन आपके सेहत के लिए अच्छा है और कौन आपके सेहत के लिए नहीं अच्छा है। और यहां पर अगर हम लोग रिसेंट रिपोर्ट्स के ऊपर बात करें, रिसेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टैट्स के ऊपर अगर बात करें, तो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अकॉर्डिंग टू NCERB लगभग इंडिया में रोज 82 मर्डर केसेस देखे गए 2021 में, जहां पर दिल्ली मेंशन एज अ क्राइम कैपिटल ऑफ द नेशन। और इसी NCERB की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2021 में कहीं ना कहीं 29,272 केसेस मर्डर केसेस रिपोर्ट किए गए, जो कि 2020 के मुताबिक कहीं ना कहीं बढ़े हुए थे। 2020 में अगर हम लोग बात करें तो 2020 में जो केसेस रिपोर्ट किए गए थे वो 28,915 थे, जो कि बढ़कर 2021 में 29,272 हो चुके थे। इवन की अचंभे वाली बात यह भी है कि भैया 2021 में ना 55,000 मर्डर अटेम्प्ट किए गए। समझो ध्यान से, वो तो पहले मैं उन केसेस के ऊपर बात कर रहा था जो कि एक्चुअल में मर्डर हुआ और किसी की जान गई, बट द थिंग इज 55,000 मर्डर अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं इस देश में। लोगों का जो माइंड है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। कहने का मतलब है कि वो लोगों को ना बहुत हानि पहुंचाने के पीछे सोच रहे हैं। और ये जो इस प्रकार के जो केसेस देखे जा रहे हैं ना, वो 2017 से देखे जा रहे हैं, जहां पर मर्डर जो अटेम्प्ट्स हैं उसका जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण हमारे देश में जो लोग हैं वो दूसरों की जान के पीछे पड़े हैं। इवन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये भी बताया गया कि 2012 में 252 सिविलियन की डेथ हुई थी टेररिस्ट वाले अटैक्स में, जो छोटे मोटे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं हमारे देश में बिकॉज ऑफ द गॉड गिफ्टेड नेबरहुड कंट्री। बट उसी साल 2012 में कहीं ना कहीं 43,355 मर्डर केसेस देखे गए, कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा और कुछ ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा, आम आदमी के द्वारा। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भैया पहले के मुताबिक बहुत हद तक जो मर्डर केसेस हैं वो कम हुए हैं, बट अभी भी इस प्रकार के मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं, मर्डर अटेम्प्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो तो भैया लोगों की किस्मत अच्छी है कि लोग बच जा रहे हैं, वरना तो सीन ही ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ चुका होता। कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जो इंडिया का जो होमिसाइड रेट है वो कहीं ना कहीं 2.1 से लेकर 3 के बीच में वैरी करता है। बट द थिंग इज, इसका पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो क्राइम्स हो रहे हैं उसका, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही इसके विक्टिम्स बनते जा रहे हैं। जहां पर देखा गया है कि 73% जो मर्डर केसेस हैं वो मेल के ऊपर ज्यादा होते हैं, मेल के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं, आदमियों के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं वो ज्यादा देखे जा रहे हैं एज कंपेयर टू वुमेन। जहां पर अगर वुमेन्स की बात करें तो वुमेन में जो प्रतिशत है वो 26% का है। बट यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि ये सब स्टैट जानने के बाद आखिर रीजन क्या है, ये जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं आखिर इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों लोग एक दूसरे की जान के पीछे उतावले हो चुके हैं आज के टाइम पे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि NCERB के द्वारा लगभग 19 रीजंस बताए गए हैं जिसके कारण जो इंडिया में जो मर्डर केसेस हैं वो बहुत ज्यादा सामने आते हैं। बट उसमें से जो टॉप 5 और 6 जो केसेस हैं उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो है वो है डिस्प्यूट्स, मतलब कुछ मतभेद जो चल रहा है फैमिली के बीच में। सेकंड पॉइंट आता है भैया पर्सन एनिमिटी, मतलब आपसी रंजिश। थर्ड पॉइंट आता है दाउरी। फोर्थ पॉइंट आता है विचक्राफ्ट। फिफ्थ आता है लव अफेयर्स। एंड सिक्स आता है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रीजंस, जो कि हाल फिलहाल में आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, जिसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। इवन कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जो मर्डर केसेस आ रहे हैं ना वो ब्लाइंड मर्डर्स के भी आ रहे हैं। ब्लाइंड मर्डर्स का मतलब वो होता है यार कि जहां पर ना कोई एक ऐसा रीजन नहीं रहता किसी को मारने के पीछे, मन किया मार दिया। जहां पर अगर नंबर वन रीजन की बात करें तो वो तो डिस्प्यूट्स ही आते हैं। डिस्प्यूट्स का मतलब कि आपसी मतभेद। आपसी मतभेद किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट आते हैं। आपसी मतभेद किसी से किस रीजन से होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो भैया मतलब लैंड और ये सब को जमीन जायदाद के पीछे आजकल लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ जाते हैं, ठीक है। वाटर के कारण पानी के ऊपर लोग आजकल लड़ जा रहे हैं। फैमिली डिस्प्यूट्स है, मनी के ऊपर लोग आजकल एक दूसरे से मतभेद करने लग जाते हैं। आपस में फैमिली एक दूसरे से लड़ जाती है। तो इस प्रकार के जब केसेस सामने आते हैं तो वहां पर वो जो केसेस हैं वो इतना ज्यादा उच्च स्तर पर बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे के जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये सब जो मैंने आपको इन जनरल रीजंस बताए हैं मर्डर्स के, इसको समझने के लिए लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द पास्ट क्राइम्स, पास्ट मर्डर क्राइम्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जहां पर देखते हैं कि कुछ ऐसे जो मर्डर केसेस हुए थे आखिर उसके पीछे का रीजंस क्या थे और तरीका क्या था। तो अगर हम लोग रीसेंट और मेजर पास्ट के जो केसेस अगर उसके ऊपर बात करें तो सबसे पहला जो अगर रीसेंट केसेस में आता है वो आता है निकी का मर्डर केस, निकी मर्डर केसेस, जहां पर आपने ये देखा होगा कि भैया एक लड़की का ही जो बॉयफ्रेंड था उसने पर्टिकुलरली लड़की को मारा और अपने ढाबे में ले जाके उसको मतलब फ्रिज के अंदर रख दिया। और इवन की इस क्राइम को करने के पीछे लड़की की जो फैमिली मेंबर थे, पिताजी थे, कजन्स थे, वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। इवन की उनके फादर के ऊपर तो भैया पहले से केस दर्ज था मर्डर को लेकर। बढ़ते हैं सेकंड मर्डर केस
केस के ऊपर जहां पर आपने बहुत ज्यादा जो स्पॉटलाइट में ये जो केस रहा था वो था आरओसी मर्डर केस, जहां पर ये जो इन्वॉल्वमेंट था उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का था और ये नोएडा का मर्डर केस था, जो कि दोनों पेरेंट्स मतलब हाई प्रोफाइल केस बन चुका था क्योंकि दोनों पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। बट द थिंग इज ये जो मर्डर हुआ इसके पीछे का क्या रीजन था आज तक किसी को समझ नहीं आया, जिसमें कहीं ना कहीं आरुषि की भी हत्या हुई थी और आरुषि के घर में एक जो सर्वेंट था हेमराज करके उसकी भी हत्या की गई थी। तीसरे मर्डर केस की बात करें तो वो है भैया अभी 3 महीने पहले जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, मुंबई और दिल्ली का जो लिंकअप वाला कुछ था मर्डर केस, जिसमें वो लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुए थे, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर था और दोनों ही कहीं ना कहीं लिव इन में रह रहे थे। बट द थिंग इज उसका जो लड़की का जो बॉयफ्रेंड था आफताब शायद नाम था, उसने लड़की के 35 टुकड़े किए थे, फ्रिज में रखा था और धीरे धीरे लड़की की लाश को ठिकाने लगा रहा था, मतलब फेंक रहा था डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। अगर चौथे मर्डर केस की बात करें तो भैया वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल केस था, जो कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस था, जहां पर ये समझा गया कि भैया कुछ ना कुछ पर्सनल डिस्प्यूट चल रहे थे, ठीक है, जिसके कारण सिद्धू मूसेवाला के ऊपर मतलब खुलेआम मतलब फायरिंग की गई, जो कि मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि सिद्धू मूसेवाला इंडिया में बहुत ज्यादा इवन की इंटरनेशनली वो बहुत ज्यादा फेमस सिंगर थे। साथ ही में अगर हम लोग नेक्स्ट मर्डर केस की बात करें तो एक अंकिता भंडारी मर्डर केस आया था, जो कि मतलब देहरादून और ऋषिकेश के तरफ कहीं का था, जहां पर ये देखा गया कि लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो एक तरीके से रेस्टोरेंट चला रहा था और वहां पर कुछ इलीगल बिजनेस कर रहा था, ठीक है, मतलब कुछ सेक्सुअल वाला जो ट्रैफिकिंग वाला जो बिजनेस होता है वो कर रहा था और कहीं ना कहीं लड़की उसका खुलासा करने जा रही थी, जिसके कारण वो जो लड़का था उसने लड़की को नहर में फेंक दिया था रात में, जहां पर लड़की और लड़के के बीच में बहुत ज्यादा हाथापाई भी हुई थी, तो ऐसा कुछ सीन बना था जिसके कारण लड़की की जान चलेगी। लड़की होटल मैनेजमेंट करके उसने वहां पर जॉब करना स्टार्ट की थी उस होटल में और बेसिकली इस केस में जो इन्वॉल्वमेंट था वो कहीं ना कहीं एक किसी मिनिस्टर के बेटे का था। और बढ़ते अपने नेक्स्ट केस के ऊपर, जो कि है जेसिका लाल मर्डर केस, जहां पर एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान एक लड़की वहां पर बारटेंडर का काम करने गई थी और जस्ट बिकॉज कुछ लड़के 2-3 लड़के वहां पर आए जो कि मतलब मिनिस्टर के बेटे उठे थे, ठीक है, उनको वहां पर ड्रिंक नहीं सर्व किया गया तो उन्होंने बंदूक तान दी और उस लड़की को ऑन द स्पॉट उसके सर पे गोली मार दिया। किस बात पे मारा? वो लड़की उस टाइम उसके पास ड्रिंक खत्म हो गई थी उस बात के लिए। क्या एक जान की कीमत एक गिलास सिर्फ ड्रिंक है? समझने वाली बात ये है कि किसी ने आओ ना देखा ना ताओ और सीधे बंदूक तान दिया और गोली मार दी। इस केस के ऊपर अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो भैया इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, नो वन किल जैसिका, आप उसको जाके देख सकते हैं। और इस केस में आपको ये भी समझने को मिलेगा जब आप वो मूवी देखोगे कि कैसे कैसे उस पार्टी के अंदर जितने भी हाई प्रोफाइल लोग थे सबने अपनी बात से मुकर गए थे। साथ ही में अगर हम लोग नेक्स्ट केस की बात करें तो ये भी बहुत क्रिएटिव मर्डर केस था, जिसमें तंदूर हत्याकांड इसे कहा गया, तंदूर मर्डर केस 1995, जहां पर एक आदमी था सुशील शर्मा और उसकी वाइफ थी नैना सैनी, जिसके बीच में कुछ ना कुछ मतलब मतभेद हुआ और कहीं ना कहीं उस सुशील शर्मा ने अपनी जो वाइफ है नैना सैनी को उसको मारा और उसके बाद उसको तंदूर में जलाने की कोशिश की। पहले उसको ठिकाने लगाने के लिए उसको पैक किया और वो गाड़ी में भर रहा था अपनी वाइफ को, मतलब डाल रहा था और सोच रहा था कहीं ठिकाने लगाएगा, बट उसको पता नहीं क्या उसका क्रिएटिव माइंड जागा और उसने फिर अपनी वाइफ को तंदूर में जलाने की कोशिश की, जिसको जलाते समय वो फिर पकड़ा गया। और अभी हाल ही फिलहाल में एक जो मर्डर केस हुआ यार, जो उमेश पाल मर्डर केस, जहां पर एक व्यक्ति को वो किसी एक पहले का जो केस चल रहा था उसका चश्मदीद गवाह था, उसको बीच बाजार में इलाहाबाद में प्रयागराज में गोली से भून दिया गया, जिसमें जो बहुत बड़े बड़े जो यूपी के माफिया हैं उनका कहीं ना कहीं हाथ बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिन्होंने मारा था उस बंदे को गोली वो अभी भी मतलब फरार है, पुलिस उनकी जांच कर रही है। अभी ये जो मैंने 7-8 केसेस आपको बताए हैं, समझने वाली बात ये है कि अगर ना बहुत ज्यादा आज के टाइम पे जो केसेस आ रहे हैं ना वो लव अफेयर वाले भी आ रहे हैं, डिस्प्यूट वाले भी होंगे, लेकिन लाइमलाइट में वो केसेस बहुत ज्यादा आते हैं जो कि लव अफेयर्स वाले हैं, जहां पर एक लड़का और एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और धीरे धीरे पता नहीं उनमें क्या मतभेद होता जा रहा है, एक दूसरे की जान के उतारू हो चुके हैं, एक दूसरे के बेसिकली जो लड़का है वो लड़की का जान ले ले रहा है किसी ना किसी रीजन से। और एट लास्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं यार कि इस प्रकार के जब मर्डर केसेस होते हैं तो एक सोसाइटी के ऊपर, एक देश के ऊपर आखिर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैसे एक देश और एक सोसाइटी को कैसे वो अफेक्ट करता है, उसके ऊपर बात करते हैं। जहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो यार यही है, आपने कहीं ना कहीं पहले जितना भी हमने अभी डिस्कशन किया आपसे ये तो समझ ही होगे कि जाहिर सी बात है मर्डर कहीं पर भी होता है तो किसी एक व्यक्ति की तो जान जाएगी, और वो अगर वो जान जाती है तो सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं जाती, उस पूरे फैमिली की कहीं ना कहीं जो स्थिति वो खराब हो जाती है, तो वहां पर सिर्फ जान उस पर्टिकुलर आदमी औरत बच्चे की नहीं जा रही है, पूरी फैमिली एक तरीके से तबाह हो जाती है, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो फियर एंड ट्रॉमा, जिसमें कहीं ना कहीं जो फैमिली की जो मेंटल स्थिति है वो बिगड़ जाती है, लोगों के अंदर भय भर जाता है, लोग सदमे में चले जाते हैं, लोगों को पता नहीं कैसे कैसे थेरेपीज लेनी पड़ जाती हैं उस प्रकार के जो
लोगों पता नहीं कैसे कैसे थेरेपीज लेनी पड़ जाती हैं जब वो इस प्रकार के सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तब। और इसी सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिसरप्शन ऑफ सोशल एक्टिविटीज होने लग जाती है, जहां पर लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से घुलना मिलना बंद कर देते हैं, लोग रिलेशंस कट ऑफ हो जाते हैं। क्या है किसी समाज के लिए सही है जहां पर लोग एक दूसरे से बात करने के लिए डरे, एक दूसरे से घुलने मिलने के लिए डरे? किस प्रकार की हम लोग सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहां पर हमारे जो बच्चे हैं वो कल को खेलने के लिए बाहर ना जाएं? और कहीं ना कहीं यही एक रीजन है जिसके कारण आज के टाइम पे भी हर एक माँ बाप कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर कंसर्न रहते हैं। वो बोलते हैं कि भैया 8 बजे से पहले घर आ जाना। वो केयर है, बट द केयर के साथ एक डर भी है लोगों के मन में। और ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये सब जो चीजें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जहां पर अगर हम लोग नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जब भी केसेस आते तो उसके इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर जो हमारी पुलिस अथॉरिटी होती है, CBI होती है, उनका टाइम, उनका पैसा, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो अगर नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और यहाँ पर एक पॉइंट मैं ये भी ऐड करना चाहूँ कि आज के टाइम पे रिलीजियस और पॉलिटिकल रीजन से भी आज के टाइम पे मर्डर केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं न्यूज चैनल में इस प्रकार के क्राइम्स को नोटिस किया ही होगा। और एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा यार कि जब भी इस प्रकार के जब क्राइम्स होते हैं, मर्डर क्राइम्स होते हैं, होमिसाइड्स होते हैं, तो ये सिर्फ एक सोसाइटी, एक फैमिली, एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ इम्पैक्ट नहीं डालती है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी इस प्रकार के जब क्राइम्स हों तो जो डिफॉल्टर्स हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इसकी कार्रवाई की जाए और इसके रिगार्डिंग कुछ कड़क से कड़क कानून भी बनाया जाए। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं यार। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर करें। आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर आपका क्या सोचना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।